खबर गाजीपुर से है, जहां इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने एग्जिट पोल पर बयान देते हुए कहा कि पहले से बनाए गए प्रोग्राम के अनुसार एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ये सुनियोजित है और जनता को गुमराह करना अपराध है। अफजाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सत्ता की समाप्ति तय है। अफजाल ने दावा किया कि पूर्वांचल की 2 सीट छोड़कर सभी सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। अफजाल ने कहा कि वाराणसी और गोरखपुर में भी कांटे की टक्कर है। अफजाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत से बन रही है, इंडिया गठबंधन 300 से अधिक सीट जीत रही है। अफजाल ने कहा कि एनडीए को कर्नाटक में 18 सीट, राजस्थान में 8 सीट, मध्य प्रदेश में 7 सीट व छत्तीसगढ़ में 2 सीट, महाराष्ट्र में 22 सीट, झारखंड में 4 सीट, बिहार में 20 सीट, उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीट का नुकसान हो रहा है। अफजाल ने कहा कि एनडीए अधिक से अधिक 220 से 230 सीट पर सिमट जाएगी। गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। कहां जीत रहे हैं? लद्दाख में घाटा अलग हो गया, गोवा में 2 सीटों में 1 सीट का घाटा हो गया, त्रिपुरा में 2 सीटों में 1 सीट का घाटा हो गया। पूरे देश के पैमाने पे जोर देने के बाद किसी भी तरह से पूरा एनडीए 220, 225, 230 इससे ज्यादा नहीं, और किसी भी दशा में 300 से अधिक सीटें लेकर के इंडिया गठबंधन आ रहा है। जो लोग अलग हैं इसके अलावा 15 सीट 17 सीट जो लेकर के आ जाए जगन मोहन रेड्डी, वो बीजेपी के कतार में बैठने वाले नहीं, और शायद 3 सीट 4 सीट लेकर के चंद्रशेखर राव आ जाए तेलंगाना से, वो भी इनके साथ बैठने वाले नहीं। और उसी प्रकार से जो उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, वो अपनी 7 सीटें 8 सीटें या 6 सीटें लेके आने की स्थिति में है, वो भी इनके साथ बैठ सकते हैं। यानी ये जो 30 सीटें हैं, ये भी अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन के कतार में खड़ी होंगी, क्योंकि देश की जनता का मूड सबने देख लिया कि जब सब पूरे देश की जनता हटाना चाहती है नरेंद्र मोदी को, तो धारा के विपरीत तो कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। अफवाहों के माध्यम से ये चीज चमकाने की कोशिश हो रही है। अब गाजीपुर की जनता तो उसके पास एक ही पैमाना है, गाजीपुर को भी भैया उसी में गिन दिए सर, हम इसी से अंदाजा लगा लो पूरे देश में क्या हुआ है। भदोही की सीट हलाहल जीत गया, अब कह रहे हैं लोग कि वहां चुनाव चिन्ह पत्ती थी, साइकिल नहीं थी। चुनाव चिन्ह पत्ती का कुछ भी रही हो, अनूठा रहा हो, मतदाता मूड बना लिया है कि हम एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएंगे, इसलिए भदोही की सीट भाजपा की थी जो हार रही है। चंदौली की सीट भाजपा की थी, मंत्री थे महेंद्र पांडे जी, बुरी तरह हार रहे हैं, कोई माने या न माने कल फैसला देखिएगा। मछली शहर की सीट आपके गाजीपुर के सांसद रह चुके हैं तूफानी सरोज, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही, डंके की चोट से जीत रही है। बाबू सिंह कुशवाहा बड़े अंतर से, 1 लाख के आसपास के अंतर से बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर जीत रहे हैं। सपना को आप देख रहे हैं तो क्या कहा जाए भाई, लालगंज जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं, बलिया जीत रहे हैं, गाजीपुर में अब तक के जीत का सारा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कल भी मुलाकात होगी, फिर कह रहा हूं, और आज भी मुलाकात थी, तो किसी चीज को बढ़ाया घटाया जाए लेकिन एक लिमिट में। बहरहाल किसी वजह से, किसी और कारणों से, हमने एक खबर पढ़ी थी जिसमें साफ तौर से माननीय मंत्री जी लिखा था 10 अरब रुपया भारत सरकार के खजाने से निकाला गया है और मीडिया बंधुओं की सेवा में विज्ञापन के लिए दिया गया है। तो इस तरह की उम्मीद तो थी कि ऐसा कोई आएगा चमकता हुआ, लेकिन अब कल है, हम लोगों को कोई इससे बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। आम जनता भ्रमित हो रही है, आम जनता के साथ धोखा हो रहा है और मीडिया की विश्वसनीयता पर धब्बा लग रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सही खबरें चलाइए और सही खबरों का पता कीजिए, चौथे स्तंभ की हैसियत से देश में अपनी भूमिका निभाइए। देश संकट की स्थिति में है, इसको और संकट में न डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट।